हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है डिंपल दीदी के चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस मंडे छोड़ के अगले मंडे होली है, तो आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो सबसे ज़्यादा काम हम ही औरतों को करना पड़ता है। दिवाली आती है तो घर की साफ़ सफाई करो, पूजा पाठ करो, थोड़ा बहुत पकवान बनता ही बनता है। होली आती है, कुछ नहीं तो पापड़ चिप्स बनाओ, गुजिया बनाओ, मठरी बनाओ। तो ठीक है, कोई नहीं, परंपरा है हमारी, रीति रिवाज है, निभाना है। तो आप सभी को होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो है खूब रंग खेलिए, खुश रहिए और इंजॉय करिए होली को। और जैसे गाना है ना कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, किसी से कोई दुश्मनी भी हो तो उसको गिले शिकवे भूलकर आपस में दोस्त बन जाते हैं, तो वही करिए। आप सभी को छोटी सी जिंदगी है, बहुत किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, बहुत किसी से किसी बात को भी नहीं खींचना चाहिए। तो इसलिए आई विश कि आप सभी की होली बहुत अच्छी जाए, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो मैं फ्रेंड, जैसा कि अपने सामान को दिखाती हूँ कि मैं क्या प्रोडक्ट मैंने मंगाया, क्या मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या सही है क्या नहीं सही है। तो सबसे पहले तो मैं ये मंगाई थी, इसका मैंने अपने दूसरे चैनल पे अनबॉक्सिंग भी डाली थी, यश निधि करके मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, आप देख सकते हैं जाके मैंने डाला था। तो ये स्विस ब्यूटी हाइड्रा आई सीरम पैच है, कि जो कि मतलब हो रहा था कि पफ़ी आइज़ को सही करता है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें बिल्कुल पैसा वेस्ट मत करिएगा, ये बहुत बेकार है, मुझे तो नहीं है। देखिए, आप पूरा खाली हो चुका है इसमें, और हमने मुश्किल से ये 5-7 दिन का और बचा हुआ, हमने छोड़ दिया इसको लगाना। तो कुछ लोगों ने कहा तुम्हारी आइज़ थोड़ी सी पफ़ी लगती है तो इसको ट्राई करो, तो हमने कहा चलो ठीक है, मंगाते हैं। हंसते हैं तो ये चीज़ नीचे का स्वेलिंग आ जाती है मेरे भी, तो कुछ चीज़ें होती है जेनेटिक होती हैं, वो चीज़ें जल्दी नहीं जाती है। मेरी जो है मम्मी भी हंसती हैं तो ये ऐसे स्वेलिंग सी आती है, दीदी हंसती हैं हमारी तो भी ऐसे आती, तो मेरे भी है, तो मुझे लगा सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की भी आंखें पफ़ी आइज़ है उसके लिए अगर आप ये लेते हैं तो इसको कतई मत लीजिएगा, ये कोई काम नहीं करता है, वेस्ट ऑफ मनी है। मैंने छोड़ दिया, मुझे मंगाना भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अरोमा की क्रीम है, तो ये क्रीम बहुत अच्छी है, जिसकी स्किन हल्की सी ड्राई हो वो इसको गर्मी में भी यूज़ करता है, जैसा कि अभी गर्मी पड़ने लगी है, इसके बावजूद मैं ये क्रीम लगा रही हूँ। मैंने एक विंटर भी मंगाया था, अभी ये मतलब आप इसको देखिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3-4 दिन से मैं इसको लगा रही हूँ, क्रीम अच्छी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लोगों को मंगाना होगा तो आप लोग वहाँ से जाके मंगा लीजिएगा, ये क्रीम बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाती है, अच्छी लगती है क्रीम। और इसको तो मत मंगाइएगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, हो सकता मुझे नहीं सूट कर रहा हो या मुझे नहीं फ़ायदा कि आप लोग मंगाइए, आप लोग फ़ायदा करें, लेकिन मेरा जो मतलब इसको लेके एक्सपीरियंस रहा, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो बाकी एज़ यू विश। और मैंने एक यहाँ पर जीन्स मंगाई है, कॉटी की जीन्स है ये, आप देख सकते हैं, कॉटी की जीन्स है, मैंने फर्स्ट बार मंगाया, ये जीन्स इतनी अच्छी है, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, और आपको मैं बता नहीं सकती इतना अच्छा। जैसे होता ना कि कंपनी के पीछे आदमी भागता, हम ही है, जैसे कभी नुमेरो यूनो को मंगाए, लिवाइस की मंगाए, किलर की मंगाए, और ये इतनी मतलब समझ जाइए आपको इतने कम दाम की ये जीन्स है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप लोग जाके देखिएगा, 450 की जीन्स पड़ रही है। आप इसमें जे मतलब बच्चों के लिए भी आप मंगा सकते हैं, लेडीज भी मंगा सकते हैं, ये जीन्स इतनी प्यारी इतनी अच्छी है कि हम आपसे क्या बताएं। और ये मैंने जो है जीन्स मंगाई है, मेरा 36 साइज है, अगर आपको दिख रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं, मेरा ये 36 साइज है मैंने मंगाया है, और ये हाई वेस्ट की जीन्स है। तो ये जीन्स बहुत अच्छी आई है, तो इसको तो आप आंख बंद करके जाइए और कॉटी की जीन्स मंगाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप फ्लिपकार्ट के सामान का इतना आप ऐड करती हैं क्या आपको कुछ पैसा मिलता है क्या, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे
फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ कि हम भाई अगर कल को मिलेगा तो जरूर लेंगे, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सामान मंगाती हूँ उसका मैं रिव्यू करती हूँ और उसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और उसके बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैं सामान मंगाती हूँ तो मैं खुद दूसरे का कमेंट पढ़ती हूँ कि ये सामान है कैसा, ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है। क्योंकि आप कुछ चीज़ों को ना, आप जैसे क्रीम मंगा, जैसे इसको हमने मंगाया तो हम इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, कपड़े वगैरह है तो आप एक बार देख के पहन के फिर भी महसूस कर सकते हैं कि ये इसमें हम कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं है, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप उसको रिटर्न में डाल सकते हो। लेकिन इस सब चीज़ों में ये सब चीज़ें तो होती नहीं है, तो इसलिए मैं ब्यूटी का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे मॉइस्चराइजर, क्रीम, इवन हेयर का भी कुछ भी मंगाती हूँ, तो उसका मैं रिव्यू ज़रूर करती हूँ, उसको मैं लोगों को बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बेवकूफ़ बनी हूँ तो दूसरा ना बने, और मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको ये भी बताती हूँ कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, आप लोग ले सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई, और आजकल बहुत काम बढ़ा हुआ है, हमारे साथ भी वही है, कभी पापड़ बनाना थोड़ा सा, कभी चिप्स बनाना है, और हम लोग होली पे कहीं जा भी रहे हैं, लेकिन ये सरप्राइज़ रहेगा। अगर आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता लग जाएगा कि अब की बार, इस बार हम लोग होली पे कहाँ जा रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी इसके लिए, नहीं भी अच्छी लगी होगी तो भी देखिए मेरी वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्ते।